सीपीएल कैरिबियन प्रीमियर लीग 2021 का दूसरा मैच 27 अगस्त को बारबाडोस रॉयल और एस्टिकेट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 4 बजे शुरू होगा। अगर दोनों टीमों के दरमियान हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो बारबाडोस रॉयल और एस्टिकेट्स एंड नेविस पेट्रियट्स में अभी तक 12 मैचेस खेले जा चुके हैं। बारबाडोस रॉयल ने 4 जबकि एस्टिकेट्स एंड नेविस पेट्रियट्स 8 मैच जीतने में कामयाब रही। अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो बारबाडोस रॉयल की प्लेइंग 11 में इनका आगाज करेंगे जोहान चार्ल्स। उनका साथ देने दूसरे ओपनर के तौर पर न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज गैलन फिलिप्स, नंबर 3 पोजीशन के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज शाई होप, नंबर 4 पोजीशन के लिए बेहतरीन बल्लेबाज कैले मैयद, नंबर 5 पोजीशन के लिए पाकिस्तान के हार्ट हिटर बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान, नंबर 6 पोजीशन के लिए बारबाडोस रॉयल के कप्तान जेसन होल्डर, नंबर 7 पोजीशन के लिए श्रीलंका के साबिक ऑलराउंडर तिशारा परेरा, नंबर 9 पोजीशन के लिए एशले नर्स, नंबर 9 पोजीशन के लिए रहमान रैफर, नंबर 10 पोजीशन के लिए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, नंबर 11 पोजीशन के लिए हिडन वेस्ट जूनियर 11 का हिस्सा होंगे, जबकि नईम यंग, जोशुआ बिशप, जस्टिन ग्रीवेज, उशान थॉमस, समित पटेल और जैक लिंटॉर्ड पहले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि एस्टिकेट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की प्लेइंग 11 में इनका आगाज करेंगे बेहतरीन हार्ट हिटर बल्लेबाज जाने माने बल्लेबाज क्रिस हेनरी गेल। उनका साथ देने दूसरे ओपनर के तौर पर बेहतरीन बल्लेबाज इवन लिवस, नंबर 3 पोजीशन के लिए जोशुआ डा सिल्वा, नंबर 4 पोजीशन के लिए पाकिस्तानी हार्ट हिटर बल्लेबाज आसिफ अली, नंबर 5 पोजीशन के लिए इंग्लैंड के ऑलराउंडर रावी बोपारा, नंबर 6 पोजीशन के लिए ड्वेन ब्राओ, नंबर 7 पोजीशन के लिए बेहतरीन हिटिंग करने वाले शरफानी रदरफोर्ड, नंबर 8 पोजीशन के लिए स्पिन ऑलराउंडर फैबियन एलन, नंबर 9 पोजीशन के लिए एस्टिकेट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के कप्तान रियाद अमरीद, नंबर 10 पोजीशन के लिए पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फवाद अहमद और नंबर 11 पोजीशन के लिए शेल्डन कोट्रेल प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जबकि जॉन जगजीसर, डोमिनिक ब्रिग्स, डेवन थॉमस, कोलन आर्चिबाल्ड, मिकी लुईस और पॉल विन मैकिरन पहले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे।